नमस्ते, मैं हूँ रेकी मास्टर टीचर, एंजल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सोमा पाठक। आप लोगों को आज जिस बारे में बताना चाहती हूँ वो है, हमें कौन से हाथ में क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनना चाहिए। लेफ्ट हैंड पहनना सही होगा या राइट हैंड में पहनना सही होगा? इससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति, हर एक ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सभी व्यक्ति के, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सभी का लेफ्ट साइड फेमिनिन पार्ट होता है और राइट साइड मैस्कुलिन पार्ट होता है। फेमिनिन साइड का मतलब, फेमिनिन साइड हमारे इनर पीस को देखते हैं, हमारे बॉडी के, हमारे मन के अंदर जो भी होता है वो इनर एरिया को रिप्रेजेंट करता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारा रिफ्लेक्ट करता है हमारा आउटर एनवायरनमेंट या हमारा बाहरी दुनिया, चाहे वो वर्क प्लेस हो, हमारे आस पड़ोस के एनवायरनमेंट हो, उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा आउटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड साइड। और क्रिस्टल्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, इसीलिए न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन का बेसिक रेमेडी ही है क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, जो हमारे चक्रास को क्लियर करते हैं। जिस प्लैनेट के साथ ये रिलेटेड होते हैं, उस हिसाब से, न्यूमरोस्कोप के हिसाब से क्लाइंट के उन्हें सजेस्ट किया जाता है, ताकि उनके लाइफ में बैलेंस लाया जा सके। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। हमें वही क्रिस्टल्स लेफ्ट हैंड साइड में पहनना चाहिए जो हमें अंदर से खुश रखे, जैसे हमारे इनर पीस के लिए, हमारे इनर पीस के लिए जो क्रिस्टल ज़रूरी है, सेल्फ लव के लिए जो क्रिस्टल ज़रूरी है, हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए जो क्रिस्टल ज़रूरी है, वैसे क्रिस्टल्स जैसे रोज क्वार्ट्ज होता है रिलेशनशिप्स के लिए, इनर लव के लिए हमारे हार्ट चक्रा को ओपन करता है, हमारे अंदर सेल्फ लव क्रिएट करता है, दूसरों को भी हेल्प करता है, दूसरों के प्रति भी हमारा हार्ट ओपन करने में प्यार, दूसरों को भी हम प्यार देना चाहते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रोज़ क्वार्ट्ज पहनना चाहिए ब्रेसलेट, जब हमें अंदर, हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी होती है उसको ठीक करने के लिए, खुद को, खुद से प्यार करने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए। और साथ अगर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड में पहनना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आप खुद तो सेल्फ लव में रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके आसपास के लोग जो होंगे आपके, चाहे वो वर्क प्लेस के कलीग्स हो, क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनके प्रति भी आपका प्यार बहुत स्प्रेड करेगा और उनके मन में भी आपके प्रति प्यार का संचार होगा। इसका मतलब आप दोनों हाथों में रोज़ क्वार्ट्ज अवश्य पहन सकते हैं, आपको जिस तरह से ज़रूरत है, आपके अंदर जैसे बदलाव चाहते हैं या आप बाहर अगर लव स्प्रेड करना चाहते हैं तो आप दोनों हाथ में पहन सकते हैं। अदरवाइज अपने इनर लव के लिए, इनर पीस के लिए, आपके खुद के रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लेफ्ट हैंड में ज़रूर पहनिएगा। एमेथिस्ट जो होता है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करता है, हमें अच्छी नींद देता है, हमारे अंदर से डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर करता है, हमारे अंदर एक इनर पीस की स्थापना करता है, तो हम एमेथिस्ट को भी लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। और अगर आप चाहें वही स्पिरिचुअलिटी, वही पॉजिटिविटी आपके आसपास के लोग जो हैं उनमें देखना चाहते हैं, उनके लाइफ में भी आप अगर पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं, उनको भी एंग्जाइटी से दूर कर रखना चाहते हैं, तो आप राइट हैंड साइड में भी अवश्य पहन सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक टर्मालाइन या टाइगर आई, या रेड जैस्पर, ये क्रिस्टल्स होते हैं एनर्जाइजिंग क्रिस्टल, प्रोटेक्टिव क्रिस्टल। ब्लैक टर्मालाइन हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है, हमें नज़र लगने से बचाता है, हमारे ऑरा फील्ड को प्रोटेक्ट करता है ब्लैक टर्मालाइन। हमारे अंदर कोई भी
बाहर की नेगेटिविटी अंदर नहीं आने देता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो अगर कोई नेगेटिविटी है उसको भी दूर करने में हेल्प करता है ब्लैक टर्मलाइन। ये हमें प्रोटेक्ट करता है। और जैसे हम हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हो या प्राणिक हीलर्स हो, जो भी हीलर्स हैं, जो भी अकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हो, जो भी आप दूसरों को हील करने का काम करते हैं, आप लोग ये ब्लैक टर्मलाइन अवश्य पहन सकते हैं। चाहे तो आप दोनों हाथ में पहन सकते हैं, और नहीं तो लेफ्ट हैंड में पहनिए। आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए आप लेफ्ट हैंड में पहनिए, और अगर अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, दूसरों को भी नेगेटिविटी से दूर रखना चाहते हैं, सबकी भलाई के लिए, आप अवश्य राइट हैंड में भी पहन सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए, रात में सोते समय ये ब्लैक टर्मलाइन या रेड जैस्पर या टाइगर आई, ऐसे टाइप के जो प्रोटेक्टिव और एनर्जाइजिंग क्रिस्टल्स होते हैं, उन्हें पहन के मत सोइएगा, क्योंकि ये आपके बॉडी को वैसे भी एनर्जाइज करते हैं, और रात को हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, रात को सोते समय हमें पीस की ज़रूरत होती है। इन ब्लैक टर्मलाइन, रेड जैस्पर या टाइगर आई अगर आपको पहन के नींद आती है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आती है तो फिर आप इसको खोल के रख सकते हैं, और अच्छी नींद के लिए आप पहन सकते हैं क्लियर क्वार्ट्ज, जो बहुत सूदिंग होता है। एमेथिस्ट पहन सकते हैं, आपको इनर पीस देगा। आप लैपिस लेजुली पहन सकते हैं, जो आपको कामनेस देगा। तो आप ये अवश्य अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर पहनिएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या कुछ छूट गया हो, कुछ और भी जानना हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हर तरह से पॉजिटिव रहने के लिए, चाहे वो अपने लाइफ में सुख शांति समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य के लिए, ज़रूर रेकी सीखिए। रेकी सीखने से आप खुद को भी प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, खुद में पॉजिटिविटी एनहांस कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, सबको आप बहुत पॉजिटिव रख सकते हैं, सबको खुशियां बांट सकते हैं। रेकी सीखिए, चाहे तो आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, स्ट्रगल्स को दूर करने के लिए न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाइए। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन बेसिकली आपके आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लाइफ में जो भी प्लैनेटरी प्लैनेट्स इम्बैलेंस हैं या नेगेटिव फल दे रहे हैं, उनको बैलेंस करने का ही प्रयास किया जाता है, और ये बहुत सक्सेसफुल है। मैं खुद भी कर चुकी हूँ, मेरा खुद का भी बहुत एनहेंसमेंट हुआ है, और जितने भी क्लाइंट्स को अभी तक मैंने दिया है प्रेडिक्शन रेमेडीज़ जो यूज़ कर रहे सिंसियरली, वो सब बहुत खुश हैं। इफ़ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली शेयर देयर फीडबैक्स, हैप्पी फीडबैक्स। इनफैक्ट स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, नमस्ते।